गृह मंत्रियों और राज्यों के डीजीपी के चिंतन शिविर को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। साइबर क्राइम, नारकोटिक्स और ऑनलाइन टेररिज्म जैसे मुद्दों पर हुआ मंथन, पीएम मोदी ने दिए सुरक्षा मंत्र। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, आप मुझे वो मैसेज कर दीजिए, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। सुरक्षा परिषद की आतंकवाद के मुद्दे पर दो दिवसीय अहम बैठक शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा यूके के विदेश मंत्री और सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने लिया हिस्सा। बैठक से पहले 26/11 हमले में जान गंवाने वाले लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने लिया बड़ा एक्शन। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ नेड सेगल कंपनी से हुए बाहर। एलन मस्क ने ट्वीट कर दी जानकारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। पीएम मोदी को बताया सच्चा देशभक्त, कहा कि मोदी देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जल्द ही आईपीसी और सीआरपीसी में हो सकते हैं बड़े बदलाव। राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में गृह मंत्री अमित शाह ने कही संसद में प्रस्ताव लाने की बात। बहुत कम समय में हम नया सीआरपीसी आईपीसी का प्रारूप लेकर संसद के सामने जाएंगे। वक्फ बोर्ड की फंडिंग पर आरटीआई में खुलासा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 2015 में 100 करोड़ और 2021 से 2022 में करीब 62 करोड़ रुपए जारी किए। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। शिक्षकों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, परंतु उनके पास वक्फ बोर्ड के लिए मौलानाओं की सैलरी बढ़ाने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की कश्मीर पर नेहरू की नीतियों की आलोचना। न्यूज 18 से की गई खास बातचीत में कहा कश्मीर पर नेहरू जी की गलतियों को पीएम मोदी ने सुधारा है। 15 अगस्त 1947 से पहले ही महाराजा हरि सिंह भारत के साथ विलय करने का प्रस्ताव लेकर के आ चुके थे, जिसको नेहरू जी ने नहीं माना। नेहरू जी ने जो भूल किए हैं, मोदी जी ने उसको सुधारा है। चीन पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सीमा पर भारत की बड़ी तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे 75 प्रोजेक्ट का लोकार्पण। 2 हेलीपैड और 1 जीरो कार्बन हैबिटेट को करेंगे देश को समर्पित। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। खेल की कवरेज में नंबर 1 आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।